हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लिटिल वर्ल्ड। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम जिस बेबी फूड के बारे में बात करने वाले उसका नाम है मैश पटेटो। पटेटो हमारे घरों में ईजिली अवेलेबल है, खास करके इंडियन किचन्स में, जिसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए, जिसमें हम आपके साथ पटेटो के बेनिफिट्स, उसकी रेसिपी और हमारे बेबी का रिएक्शंस भी शेयर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब हम उसके बेनिफिट्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। पटेटोस आर पावर पैक्ड एनर्जी फॉर योर ग्रोइंग बेबीज। पटेटोस में बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लाइक फॉलेट। पटेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ फॉलेट, आयरन, जिंक, आयोडीन। पटेटोस में कोलाइन होने की वजह से आपके बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा। पटेटोस में जो अमाउंट में स्टार्च और वेरियस एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो आपके बेबी का स्किन को नरिश और साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करेगा। पटेटोस में विटामिन B6 और पोटेशियम होने की वजह से वो आपकी बेबी के हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। इट इज लो इन कैलोरीज, इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेट गेन। वन मीडियम साइज ऑफ पटेटोस गिव्स योर बेबी 35 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। पटेटोस आपके बेबी के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ को भी अच्छा रखता है। हाँ, अगर आप उसे कोई भी फ्राइड फॉर्म में ना दे तो पटेटोस आप अपने बेबी को या तो फिर स्टीम, बॉइल या बेक करके ही दे। पटेटोस ऑल्सो असिस्ट ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया। अगर आपके बेबी को लूज मोशन हो रहा हो तो आप अपने बेबी को पटेटोस जरूर खिलाएं, जिससे कि आपकी बेबी के स्टमक इन्फेक्शन को कम करने में वो बहुत हेल्प करेगा। अमाउंट में एल्कलाइन शुगर पाया जाता है, वो आपकी बेबी की बॉडी का एसिड लेवल को बहुत मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से आपके बेबी को एसिडिटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। पटेटोस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से आप अपने बेबी को इन्फेक्शन से दूर रख सकते हैं। दैट्स व्हाई यू मस्ट ऐड पटेटोस इन योर बेबीज डाइट टू कीप इन्फेक्शंस अवे। अब हमने इसके बेनिफिट्स देख लिए, अब हम इसकी रेसिपी भी देख लेते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 मीडियम पटेटो। पटेटो के साथ हम लेंगे कोरिएंडर पाउडर, पेपरमिंट पाउडर, रॉक सॉल्ट और उसके साथ ही 1 ग्लास वाटर। तो कुकर में हमने चॉप किए हुए आलू को बॉईल कर लिया है ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए, और उसके साथ ही उसके पानी को निकाल के 1 ग्लास में हमने कर दिया है अलग। अब इस बॉईल किए हुए आलू को हम एक प्लेट में लेंगे और उसे मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करते समय यह ख्याल रखेंगे कि आलू बॉईल किया हुआ अच्छे से मैश हो जाए ताकि उसे पकाने में बहुत इजी हो। अब हमने एक पैन गैस को ऊपर कर लिया है और उसमें ऐड किया है अमूल का घी। अमूल का घी अच्छा होता है, और उसमें हमने फाइनली ऐड कर लिया है पोटैटो। पोटैटो को थोड़ी देर के लिए हम करेंगे रोस्ट घी में। जैसे ही थोड़ी देर में रोस्ट हो जाए उसमें ऐड करेंगे हम वाटर। वाटर ऐड करने के बाद थोड़ी देर हम उसे गैस के मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और उसमें ऐड करेंगे रॉक सॉल्ट, उसके बाद कोरिएंडर पाउडर एंड ब्लैक पेपर पाउडर, और उसे थोड़ी देर के लिए फिर से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना हो। फाइनली हमारा रेसिपी तैयार है। हमने इसे सर्व कर लिया है एक बाउल में, और फाइनली इसे हम गार्निश करेंगे एक चम्मच घी के साथ। यह वही आलू था जिसको हमने अलग निकाला था स्टार्टिंग में। आप देख सकते हो कि नॉर्मल आलू खाने के बाद बच्चों को कैसा लगता है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। अब ये रहा मैश पोटैटो। ओहो, ओह माय गॉड, वाओ। अब साहब को और भी चाहिए। आप देख सकते हो कि काफ़ी इन्जॉय करता है, और मैश पोटैटो हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमने जो सॉल्ट यूज़ किया है दैट इज़ नॉट नॉर्मल सॉल्ट, दैट इज़ रॉक सॉल्ट, एंड बहुत ही नॉर्मली क्वांटिटी में हमने ऐड किया उसमें कोरिएंडर पाउडर एंड पेपरमिंट। तो आपने देखा मैश पोटैटो की रेसिपी बनाना कितना आसान है, जिसको बनाने में हमें बिल्कुल भी मशक्कत की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।